एवरीवन, वेलकम बैक टू मलिका व्लॉग चैनल। तो मैं हूँ मलिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली अब पूजा का दिन आ चुका है, कार्तिक पूजा। तो पूजा कल है, तो आज से ही तैयारी सब शुरू करनी पड़ेगी। एंड कल का व्लॉग तो मैं अलग से बनाऊँगी, तो आज मैं अपने फेस पे करने वाली हूँ ब्लीच। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे ब्लीच करती हूँ अपने फेस पर। तो मुझे यहाँ गांव में पार्लर वाला का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं बस ब्लीच लेकर आ गई हूँ। तो इसलिए मैं ब्लीच करूँगी, नहीं तो फेशियल ये सब करवाती, तो इसीलिए मैं ब्लीच ही करूँगी। क्योंकि मैं नॉर्मली हल्के फुल्के पूजा वूजा पार्टी वार्टिस के लिए मैं ब्लीच ही कर लेती हूँ, फेशियल नहीं करती। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कौन सा फेशियल यूज़ करती हूँ एंड फेशियल कैसे सॉरी फेशियल कौन सा ब्लीच यूज़ करती हूँ एंड कैसे ब्लीच अप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब मेरा नहाना नहीं हुआ है, मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि फेस वैसे भी ब्लीच करने से पहले वॉश करना होता है। एंड आज मैं शैम्पू करने वाली हूँ, तो इसलिए ब्लीच करने के बाद फिर शैम्पू वैम्पू सब फेस पर है, तो पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा। तो इसीलिए मैं पहले नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लीच करूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मैं कैसे ब्लीच करती हूँ। तो पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ एंड अब मैं अपना ब्लीच अप्लाई करूँगी। तो मैंने अभी तक फेस में कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई क्रीम ना कुछ, बस फेस को वॉश करके आई हूँ फेस वॉश से एंड अब मैं ब्लीच करूँगी। तो देखिए मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी है। तो गाइस अब मैं ब्लीच अप्लाई करने वाली हूँ। अभी तक मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया एंड ब्लीच करने के बाद एक बार मैं फेस वॉश करने के बाद ही मैं सिंदूर वगैरह एंड बिंदी सब लगाऊंगी। तो गाइस बताइए मैं साड़ी में कैसे लग रही हूँ। आई होप कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो देखते रहिए वीडियो। मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ, तो आप ये हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इससे भी कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ, आप ये टू टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने अपने फेस पे पूरा ब्लीच अप्लाई कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे वाइप से पोंछने के बाद फिर मैं नॉर्मल वाटर से इसको धो लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको पूरा हटा लूँगी। तो देखिए मैं कैसे हटाती हूँ उसको।
तो मैंने वाइप से अपना सारा फेस में जितने भी ब्लीच थे मैंने सब हटा लिया। तो अब मैं फेस को थोड़ा वॉश करके आऊँगी, क्योंकि विदाउट वॉश के मैं कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती, तो चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसलिए मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा फेस मैंने वॉश कर लिया है, एंड अब मैं अप्लाई करूँगी आयुर कोल्ड क्रीम। ये एक्चुअली मसाज के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं उसके बाद ब्लीच के बाद इसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, देन बस कंप्लीट। तो ये देखिए गाइस, मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है, एंड इसके बाद मैंने सिंदूर एंड बिंदी भी लगा लिया है एक बार में। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।